हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन मॉम्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल मैंगो पुडिंग। एकदम क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार होगा, काफ़ी टेस्टी और यमी लगती है सभी को। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने घर में इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी मैंगो पुडिंग भी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा नई नई वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है हैवी बॉटम वाली कढ़ाई और उसके अंदर ऐड कर दिया है 5 कप दूध। दूध को अच्छे से मिक्स करते रहना है और उबाल कर तैयार कर लेना है। गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। यहाँ पर दूध हमारा अच्छे से उबल कर तैयार हो चुका है, अच्छी मलाई आ चुकी है और 1/2 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी का और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देना है और 1-2 मिनट के लिए चीनी को भी अच्छे से पका लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया था कटोरी में 1/2 कप दूध, उसमें ऐड कर दिया है मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मच। जिस चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ यही चम्मच मैंने यूज़ किया था मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के लिए। अच्छे से मिक्स कर देना है, इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपने मिक्स करना है। गुठली होगी तो आपका कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारे दूध में हमारे कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो ऐड करते रहना है और कंटिन्यूसली आपने मिक्स करते रहना है। गैस का फ्लेम आप लो कर सकते हो या मीडियम कर सकते हो। धीरे धीरे देखोगे कि हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक होने लगेगा। कंटिन्यूसली आपने मिक्स करते ही रहना है और 5 मिनट तक इसे पका लेना है। गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है और इस तरीके से साइड से भी अच्छे से मिक्स करते रहना है और पका लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर हमारा कस्टर्ड अच्छे से पक चुका है और अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इतना ही हमें पकाना है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हो हमारा कस्टर्ड काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी और कंटेनर में और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर ही। हमारा कस्टर्ड यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है और मैंने इसमें 4 से 5 बादाम को अच्छे से पीसकर पाउडर बनाकर ऐड कर दिया है ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। और यह थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। हमें चाहिए 1 से 1.5 मैंगो जिसे हमने रफली काट कर तैयार कर लेना है या आप बारीक काट कर भी तैयार कर सकते हो गार्निशिंग के लिए, क्योंकि मैंगो पुडिंग है। और हमें चाहिए यहाँ पर ब्रेड। ब्रेड को मैंने यहाँ पर स्लाइस कट कर लिया है। जिस हिसाब से आप अपनी डिश में इसे सर्व कर रहे हो उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो ब्रेड की। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कंटेनर लिया है उस तरीके से ही मैंने ब्रेड कट किए थे। तो पहली लेयर मैंने ब्रेड की यहाँ पर लगा दी है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हर एक स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी पुडिंग भी इस तरीके से यमी बनकर तैयार होगी। कस्टर्ड को अच्छे से फिल करना है ताकि हर एक कोने में कस्टर्ड जाए और हमारी जो पुडिंग है एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार हो। यहाँ पर हमारी तीसरी लेयर है। आप अपने कंटेनर के हिसाब से 2 लेयर या 3 लेयर बना सकते हो। यहाँ पर मेरा कंटेनर बड़ा है तो मैं यहाँ पर 3 लेयर वाला बना रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से अच्छे से आपने कस्टर्ड को फिल करना है ताकि हमारा जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो और एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार हो हमारी पुडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही सिंपल और इजी घर पर बनने वाली वीडियो अपलोड करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो कस्टर्ड वाली पुडिंग है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, अच्छे से फिल हो चुकी है। इसे फ्रिज में रख देंगे हम 4 से 5 घंटे के लिए, या आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हो ताकि और भी ठंडी हो जाए। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ओवरनाइट मैंने इसे रखा था ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए और गर्मियों का समय है तो गर्मियों में ज़्यादा
ठंडी चीज़ ही अच्छी लगती है। ये परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है। हमारे ब्रेड भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा कस्टर्ड था, तो उसके ऊपर अच्छे से सेट कर देनी है, पतली सी लेयर लगा देनी है। आप देख सकते हो एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो चुका है और फिर इसे हम गार्निश करेंगे। हमारी मैंगो पुडिंग को गार्निश करेंगे मैंगो की पीसेस के साथ। हमारे यहाँ पर मैंगो पुडिंग गार्निश हो चुकी है, आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो इस तरीके से आप गार्निशिंग कर सकते हैं। हमारी आज की समर स्पेशल मैंगो पुडिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे सर्व करते हैं और इंजॉय करते हैं। आप अपनी मर्जी से इसे छोटा पीस या बड़ा पीस कट कर सकते हो और इसे सर्व कर सकते हो। काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, दिखने में ही आप देख सकते हो, लेकिन ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी और यमी लगती है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर इसे मैंने सर्व कर दी है और मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा ही था मैंगो का मिक्सचर, जो कस्टर्ड का मिक्सचर होता है एक्स्ट्रा। अगर आपको पसंद है इस तरीके से पोर कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी सॉफ्ट और यमी है, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस समर में इसे ट्राई कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार हुई है, तो आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा ऐसी सिंपल और इजी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।